डीपी के न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। आज किसान आंदोलन का 38वां दिन है। कड़ाके की सर्दी के बीच किसान अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। सिंधु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। इससे पहले किसान और सरकार के बीच में 7वें दौर की बातचीत में पूरा समाधान तो नहीं निकला, लेकिन विवादों के 2 मुद्दों पर सहमति बन गई। किसान और सरकार के बीच में अब 4 जनवरी को अगली बैठक है। उम्मीद की जा रही है कि इस गतिरोध में ये खत्म हो जाएगा। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि 4 जनवरी को सकारात्मक नतीजे आएंगे। इसी बीच आज सुबह एक दुखद खबर सामने आई। यहां किसान आंदोलन के बीच में एक अधेड़ किसान ने धरना प्रदर्शन स्थल के पास में लगे शौचालय में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने किसान द्वारा आत्महत्या किए जाने पर दुख जाहिर किया। राकेश टिकैत का कहना है कि किसान इस आंदोलन से भावनात्मक रूप से जुड़ चुका है, सरकार सुन नहीं रही है, यही कारण है कि इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है। उनका ये भी कहना है कि सरकार की अगर यही स्थिति रही तो इस सरकार को किसान धरती में मिला देगा। मृतक किसान की जेब से एक सुसाइड नोट भी मिला है। मृतक किसान पशियापुर के रहने वाला था। अभी और जानकारी नहीं मिल सकी है। राकेश टिकैत इस मामले में बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। उन्होंने फिर दोहराया कि जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं लेंगे, किसानों का आंदोलन यूं ही बदस्तूर जारी रहेगा। वो इसी बीच में आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 1 महीने से अधिक समय से पंजाब और हरियाणा सहित कई राज्यों के किसान दिल्ली में धरना दे रहे हैं। भीषण ठंड के बावजूद ये किसान अपनी मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी दौरान हरियाणा और पंजाब के कई किसानों की हार्ट अटैक या फिर अन्य वजह से मौत भी हो चुकी है।